हेलो एवरीवन। देखिए, पिछले बार हम लोग पढ़े थे ना कि इन्वर्जन के बारे में, और इन्वर्जन में हम लोग पढ़े थे पिछले बार कि कुछ हम वाक बताए थे आपको कि जो सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब का प्रयोग करेंगे ना तो इन्वर्जन कहलाता है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इन्वर्जन में दो कैटेगरी आते हैं, एक एडवर्बियल और दूसरा कंडीशनल। ठीक है, एक एडवर्बियल और दूसरा कंडीशनल। एडवर्बियल मतलब कि एडवर्ब से जो वाक बनेगा वो एडवर्बियल कहलाता है, सीधी सी बात। अब जैसे हार्डली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये सब जितना है सब एडवर्ब में आते हैं, तो इससे बना हुआ वाक एडवर्बियल कहलाते हैं। ये पिछले वीडियो में ना हम उसका भी एग्जाम्पल दे चुके थे, और यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं एडवर्बियल का। देखिए, जैसे एडवर्बियल में क्या है कि हार्डली हैड, यहाँ पे द स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट या डूअर जो भी बोलिए, क्योंकि स्टार्टेड शुरू करना, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हम हेड का प्रयोग किए, लेकिन इससे पहले किसी एक एडवर्ब का भी हम प्रयोग कर दिए, तो ये जो हार्डली हेड को मिलाएंगे ना तो यही एडवर्बियल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो कहने का मतलब है कि किसी वाक में जो एडवर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो वह एडवर्बियल इन्वर्जन कहलाता है। एडवर्बियल इन्वर्जन कहलाता है, जैसे हार्डली हेड। अब इसमें हार्डली हेड का प्रयोग पहले किए हुए हैं सब्जेक्ट से, तो इसलिए ये इन्वर्जन हुआ, और इसमें एडवर्ब का प्रयोग किए हुए हैं तो इसलिए एडवर्बियल हुआ, तो इसको हम नामकरण करेंगे एडवर्बियल इन्वर्जन। ये पूरे वाक्य ये दिया हुआ है कि हार्डली हैड द स्टूडेंट स्टार्टेड देयर एग्जाम्स व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ। देखिए, इसमें वेन कंजंक्शन है और वेन के बाद एक पूरा का पूरा वाक लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें स्टार्टेड इसलिए दिया गया है कि ये वर्ब का हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट में यूज किया गया है और ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया गया है, तो ये दोनों का कम्बिनेशन बिल्कुल सही है। तो इसमें एग्जाम में मतलब पेपर में क्या करेगा कि इसको हटा देगा और यहाँ पे सीधे करेगा कि हार्डली द स्टूडेंट स्टार्टेड देयर एग्जाम्स वेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ। अब स्टूडेंट इसको कैसे देखेगा कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और स्टार्टेड भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये दोनों का कम्बिनेशन बिल्कुल सही है, तो वाक सही है, और ये सोच के वह नो एरर में टिक आउट कर देगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हेड होना चाहिए। अगर यहाँ पे V2 नहीं लिखना आपको है तो फिर यहाँ पे डिड होना चाहिए और यहाँ पे फिर V1 हो जाएगा, क्योंकि डिड देंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ना आएगा, तो इस तरह से फिर करना पड़ेगा। तो ये एडवर्बियल का एक एग्जाम्पल हुआ। अभी हम देखेंगे कंडीशनल का। देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है कंडीशनल इन्वर्जन। कंडीशनल इन्वर्जन क्या होता है, इसमें बोला गया कि कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा कि यदि तुम खाओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं हंसूंगा, यदि तुम उसे बुलाओगे तो मैं उसके साथ बाजार जाऊंगा। ये कंडीशन हम रख दिए कि मुझे एक काम करना है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। तो उस केस में हम क्या किए ना कि इफ यू चूज टू एक्सेप्ट द जॉब पोजिशन यू विल नीड टू मूव टू न्यूयॉर्क। इस वाक में ये जो इफ दिए हुए है ना, तो इसके जगह पे हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शुड वाक से पहले। तो अब ये शुड का प्रयोग जैसे ही पहले किया था, चूज वर्ब का V1 भी है, ऐसे भी है, क्योंकि इफ के साथ ही जो क्लॉज बनता है ये V1 का प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया गया है, तब शुड का भी प्रयोग करेंगे, शुड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो ये जो सब्जेक्ट यू आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले ही शुड, तो शुड क्या है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया तो ये कंडीशनल इन्वर्जन कहलाया। ये भी वाक सही, जैसे इफ से बना हुआ है ना तो ये सही है, लेकिन इसी को अगर हमको इन्वर्जन में बनाना हो तो हमको इसको हटाकर शुड का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, तो ये बिल्कुल सही हो गया। मोडाल में भी इसी तरह से जाता है कि मोडाल नहीं, मूड में, कि मूड में भी जहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद ना विल, शैल, शुड ये सब का प्रयोग कर देते हैं, उसी तरह से इसमें इन्वर्जन बनाने के लिए हमें शुड का प्रयोग करना पड़ा है। इतनी सी बात। अब यहां पे देखिए, इफ यू डू नॉट प्ले आई इट। अब इसमें बोला गया है ना कि जैसे अब यहां पे हम मान लेते हैं कि करते हैं कि इफ के जगह पे हम बोले कि इफ के जगह पे अगर हम शूट कर देंगे, इफ के जगह पे अगर हम शूट कर देंगे तो ये इन्वर्जन हो गया। अब शूट जैसे ही करेंगे शूट यू, तो डू नॉट तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शूट खुद हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर डू नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये गलत हो जाएगा अगर हम इफ को हटा के शुड लिखेंगे। तो अब ये इन्वर्जन बना। अब पहले से जो वर्क था ना वो भी वर्क सही था, लेकिन वो कंडीशनल हो रहा था, अब ये जो बना ना तो
कंडीशनल इन्वर्जन बन गया कि कंडीशन बताने में ही इन्वर्जन का यूज हो गया इस तरह से। इसमें देखिए इफ आई डिड द बेस्ट आई वुड पास द एग्जाम, इसमें डिड हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दिए, सब में ना जैसे ये प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, तब शुड का प्रयोग किया, जैसे पास्ट में दिखे तो आपको इफ के जगह पे वर्ब का प्रयोग कर देना है, ठीक है, वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से ये एग्जांपल देखिए कि इफ यू डिडंट स्पेंड सो मच मनी ऑन शूज यू वुड हैव मोर सेविंग्स, तो इसमें हम क्या किया ना कि इफ के जगह पे आपको वर्ड देना है, लेकिन जब वर्ड जैसे ही देंगे तो फिर तो डिड हेल्पिंग वर्ब डालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे स्पेंड तो मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को हम इस रूप में लिखेंगे कि वर्ड रहे, यू रहे और मतलब नेगेटिव सेंस भी रहे, तो इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब फिर हम दोबारा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब देंगे तो फिर ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर जाएगा, तो इसलिए वर्ड यू नॉट डायरेक्ट हम नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के इस तरह से देंगे तो ये इन्वर्जन का काम करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब है। तो इस तरह से ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम दिए हैं ये कंडीशनल इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल है ये आपका एडवर्बियल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे इन्वर्जन होता क्या है कि किसी भी वाक में हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग करें वो इन्वर्जन कहलाता है। अब इस सारे वाक को हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव है तो इन्वर्जन कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। और ये कंडीशनल्स हैं और एडवर्बियल है कि जैसे एडवर्ब वर्ड्स होते हैं तो एडवर्ब वर्ड से हम सेंटेंस बनाएंगे और सब्जेक्ट से पहले हम उसका यूज कर देंगे तो वो भी एडवर्बियल इन्वर्जन कहलाता है। और इसमें कंडीशनल बताकर हम उसको हेल्पिंग वर्ब पहले लग देंगे सब्जेक्ट से तो ये कंडीशनल इन्वर्जन कहलाता है। इस तरह से आप इसको पूरा बढ़िया से बारीकी से समझिए, फिर अगले वीडियो में ना कुछ एक छोटा छोटा इसी तरह से टॉपिक लगातार आपको वीडियो मिलेगा, अगले वीडियो में देखते हैं कुछ नया करते हैं, ठीक है, उसको बारीकी से समझाने का और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, थैंक यू।